अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दोबारा से पतीले में केक बनाना दिखाएंगे। ये इसमें कुकर में हमने नमक डाल के अंदर सांचा रख दिया है ताकि नमक का उसके साथ टच ना हो हमारे मटेरियल के साथ या सांचे के साथ। केक वाले नीचे नमक है, ये देखें नीचे नमक है और ऊपर सांचा है। और अभी आंच मैंने तेज़ की है। जब ये आंच हमारी नमक हमारा गर्म हो जाएगा फिर हम इस आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि हमारा बैटर बनाते बनाते ना ये फिर हो जाएगा, नमक हमारा गर्म हो जाएगा। इतनी आंच कर दूंगी मैं ना, फिर नमक हमारा गर्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल का और ये 2 कप मैदा लेना है। और मैंने बनाना है चॉकलेट केक, इसलिए मैं इसमें 2 कप पूरे करूँगी मैदे के कोको पाउडर ऐड करके। ये देखें ये मैंने इसमें कोको पाउडर भर के कप पूरा कर दिया। 1 कप ये था मैदे का और 1 कप ये है। ये इसमें डाल के इसमें साथ डालना है हमने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। और ये बना रही मैं 6 अंडों का केक, 6 अंडों का केक बनेगा ये। ये देखें 1 टेबलस्पून भर के इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना। ये थोड़ा कम था तो मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ इसमें। देखें इस सबको हमने ना मैदा बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को इसको मैंने 3 दफ़ा छानना है। अब 3 दफ़ा छान के रख लूँगी ताकि ये फ्लफ़ी हो जाएगा फिर। ये देखें ये 1 कप मैंने चीनी का भर के ले लिया, 1 पूरा भरा हुआ कप चीनी का ले लिया। इसको पीस लेना, इसको मैं पीस के तो रेडी करती हूँ। ये देखें ये मैदा बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर इसमें डाल के मैंने छान लेना। इसको 3 दफ़ा छानूंगी मैं ताकि इसमें से एयर गुजरे और ये फ्लफी हो जाए, केक हमारा फूल के अच्छा सा बने। अब हम ये केक का बनाने का तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये 6 अंडे लिए, 6 अंडे डाल लें इसमें। ये 6 अंडे हो गए इसमें। अब हमने इसको स्टार्ट कर देना। ये हमारे अंडे बीट हो रहे हैं, जरा हाथ में लेके करेंगे तो ज्यादा अच्छा वो बनेगा। जितनी झाग बनेगी जितना फ्लफी बनेगा उतना अच्छा केक बनेगा। अभी इस पे बड़ा अच्छी झागा आ गई है। अभी हमने खाली अंडे ही बीट किए हैं, अब इसमें ऑयल डालते जाना और बीट करते जाना है। ऐसे तार बना के ऑयल डालते जाना और साथ बीट कर चलता रहेगा।
ये देखें, इसमें ना वनीला एसेंस ऐड करना है। ये है वनीला एसेंस, इसको ऐड करना है। तकरीबन एक टीस्पून, और इसको चला देना। पीसी हुई एक कप चीनी है, पीसी हुई ये ऐड करनी है और बीट करते जाना। ये देखें, ये अब अच्छी तरह फ्लफी हो गया, कितनी इसमें फोम आ रही है। तो अब इसमें हमने ये जो हमने बेकिंग पाउडर, मैदा और कोको पाउडर मिक्स किया है, इसको डालना, हल्के हल्के हाथ से इसको ऐड करना और हाथों से मिक्स करना है। मैं आपको मिक्स करने का तरीका भी दिखाती हूँ। सिर्फ ऐसे ऐसे इसको मिक्स करना है कि एक उंगली दूसरी उंगली से टच ना हो और ये नीचे जाके बैठे भी ना, गुठली भी ना बजे। इस तरह से इसको अच्छी तरह मिक्स करना। इसके बाद हम इसको, ये ग्रीस किए हुए सांचे हैं हमारे, एक सांचा ये ग्रीस किया हुआ है और एक सांचा ये ग्रीस किया हुआ है। ये डोल केक बनना है इसलिए मैंने राउंड सांचा लिया, डोल वाला सांचा नहीं था मेरे पास, मैंने ये इस शेप का सांचा लिया, राउंड, नीचे से कम चौड़ाई है, ऊपर से ज़्यादा खुला, तो ये डोल शेप का बनेगा। ये पहले से हमने ऑयल लगा के ग्रीस करके रख दी। ये देखें, ये सारा इसमें डल गया मैदा। ये मैं इसको हाथों से ऐसे ऐसे मिक्स कर रही हूँ, ना ये गुठली बनेगी ना ये नीचे बैठेगा इंशाल्लाह। जोर जोर से नहीं करना, उंगली से उंगली टच नहीं करनी, बस ऐसे आराम आराम से करना। और ये काफ़ी गाढ़ा है, सख्त लग रहा है, तो इसमें दूध डालूंगी मैं ताकि ये रनी रहे। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ये देखें ये काफ़ी गाढ़ा है, मिक्स होने के बाद काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। इसमें मैं दूध ऐड करूँगी अंदाजे से, आपने दूध ऐड करना है और चेक करना है कि कितना दूध इसमें सही रहेगा। ये आधे कप से थोड़ा कम है दूध, जब मेरी आ जाएगी रिक्वायर्ड जितना रनी मुझे चाहिए तो मैं बस दूध उतना बस कर दूँगी।
असल काम ही यही है जब हाथ से मिक्स करना है इसको। ये आधे कप से कोई 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून कम था, ये सारा इसमें चला गया और ये अब सही है। ये देखें, ये इस तरह से गिरना चाहिए। ये देखें इतना रनी होना चाहिए इसको कि ये मैं यूं उठाऊं तो ये यूं नीचे गिरे। अभी इसको सांचों में डाल के तो फिर बेक होने रखेंगे। ये देखेंगे, अब इसको इस सांचे में डालना है मैंने और हाफ डालना है, पूरा नहीं भरना क्योंकि केक ने फूलना भी है, तो इतना डालें कि वो फिर बाहर ना आए, फूल के बस मुनासिब रहे। ये हाफ सांचा हो गया, अब इसको मैंने ओवन में रखना है। ये देखें, अब इसको मैं ओवन में, जो मैंने प्री हीट किया है कुकर उसमें रख दिया इसको मैंने, और अब मैंने इसके ऊपर ना कुकर का वो लगाना है ढकना। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ढकना। ये ढकना मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और इसको मैंने टाइमर दे चला देना है 20 मिनट का। 20 मिनट का ये टाइमर ऑन हो गया है। 20 मिनट के बाद मैं अब इसको खोल के चेक करूँगी। ये जो मटीरियल बच गया है, ये थोड़ा बड़ा पैन है मेरा, मैं इसमें डाल के तो अब इसको, ये उसमें कुकर में नहीं आना, इसके लिए मैंने दूसरी पतीली रेडी की है। ये देखें, इस पतीली में मैंने नमक डाल के रखा है। इसमें अभी मैं स्टैंड रख के ऊपर ये सांचा रख, देखें इसमें मैंने ये उल्टी करके प्लेट रख दी, स्टैंड इसमें नहीं आ रहा था और ये ऊपर सांचा चला गया। ठीक है, इस पे लगा देना ढकना। ये हो गया बंद, हीट अभी ज़रा इसकी इतनी है, ये देखिए, क्योंकि ये अभी इसको नमक ने सही तरह गर्म नहीं हुआ, गर्म होएगा तो फिर मैं हल्की कर दूँगी इसकी हीट, और ये 20 मिनट बाद अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें, इसको 20 मिनट हुए हैं, ये तकरीबन रेडी है। इसको मैं टूथपिक डाल के चेक कर, ये देखें, ये मेरे पास स्क्रीवर है लंबी वाली टूथपिक, इसमें अभी हल्का सा लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें हल्की सी कमी है। ये है कि ये मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, ये इसकी हीट में तैयार हो जाएगा। अब इसको ये दूसरा देखें, ये अभी नहीं हुआ, ये अभी हिल रहा है, इसमें कसर है क्योंकि इसमें ज़्यादा था और पैन गहरा है, इसलिए ये अभी तैयार नहीं हुआ। इसको 30 मिनट हो गए जबकि ये सांचे के हिसाब होते हैं, वो सांचा खुला था बड़ा था वो तैयार हो गया है, और ये वाला सांचा जो सा था ना, ये सांचा था छोटा, गहरा था, गहराई में था और चौड़ाई में कम था, ये इसलिए अब तक रेडी नहीं हुआ, अभी इसको टाइम है। ये देखें, ये दोनों केक रेडी हो गए। ये थोड़ा मटेरियल था, ये जल्दी रेडी हो गया, ये मटेरियल ज़्यादा था, सांचा गहरा था और चौड़ा कम था, इसको टाइम लगा। ये 22 मिनट में रेडी हुआ है और ये तकरीबन 35 मिनट्स इसने लिए रेडी होने में, और स्क्रू बिल्कुल साफ आ गई है। और ये इसमें अब मैंने 6 अंडों का और केक बनने रखा है सांचे में, ये सारे 6 अंडों का मटेरियल इसके अंदर गया है। ये देखें, ये बड़ा अच्छा फूल गया, मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये साफ आई है, इसका मतलब ये रेडी है बिल्कुल। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ये मैंने ओवरनाइट ठंडे कर लिए हैं, अब इनको मैं सांचों से निकाल के तो इनकी लेयरिंग करती हूँ।
ये हो गया सेपरेट इसमें से। मीनवाइल ये मैंने दूध में चीनी डाल के गाढ़ा सा जैसे वो होता है कंडेंस मिल्क वैसे बना लिया, और इसमें अब मैं ये चॉकलेट डाल के साथ ही अंदर मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसको ठंडा करके तो उसके अंदर लगाना है केक के अंदर। ये हो गए हैं इसके पीसीस केक के। अब ये केयरफुली उठा के मैंने इस डिश में ट्रांसफ़र करना है। ये सारे केक पे जूस डाल लेना, स्प्रेड कर लेना अच्छी तरह। ये गाढ़ा सा चॉकलेट का फज रेडी हो गया। इसमें चंद ड्रॉप्स मैं डालूंगी वनीला एसेंस के, फिर उसको मैं केक के ऊपर ज़रा ठंडा करके इसको ना फिर लगाती हूँ। ये वनीला एसेंस के मैं चंद ड्रॉप्स इस पर डालूंगी। ये डाल के इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देना इसको। ये चॉकलेट फज बन गई है। ये क्रीमी टेक्सचर रहेगा इसका, ये हार्ड नहीं होएगी क्योंकि ये मिल्क में बनाई है मैंने। कंडेंस मिल्क कह लें या मिल्क में शुगर डाल के बना लें आप। मैंने चीनी दूध थोड़ा दूध लिया, चीनी ज़्यादा लिया, उसको अच्छी तरह पका के गाढ़ा करके उसमें चॉकलेट को डाल के साथ ही वो मेल्ट होकर इस तरह से बन गया। डार्क चॉकलेट ली थी। अब ये इस पर ठंडा हो गया, ये अब मैं इस पर डालने लगी केक पे। मैं पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि अंदर वाली लेयर को नीटनेस की जरूरत नहीं होती, हमें नीटनेस करनी होती है ऊपर वाली लेयर पे, क्योंकि इसने तो नजर ही नहीं आना, इसने अंदर चले जाना है। जब हम ऊपर वाली मेन लेयर्स को रेडी करते हैं ना, उसको हम नीट बनाते हैं ताकि खूबसूरत हो प्रेजेंटेशन। अब इसके ऊपर व्हाइट बटर क्रीम लगानी। बटर क्रीम बनाने का ये तरीका है कि व्हाइट मक्खन ले लें अनसॉल्टेड, उसके अंदर वैसे ही थोड़े से दूध में, जैसे 4 टेबलस्पून दूध है तो उसमें 8 टेबलस्पून चीनी डाल के उसको गर्म करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और ठंडा कर लें। ठंडा करके बटर क्रीम रेडी हो जाती है। ये इसके अंदर की लेयर में ही बटर क्रीम दे रही हूँ मैं। कुछ चॉकलेटी बटरी सा टेस्ट आएगा इसका, बहुत टेस्टी फजी सा। अब ये सेंटर की लेयर इसकी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर जो कट करके पीस रखा हुआ वो इसके ऊपर रखना है। इसके अंदर भी जूस ऐड करना है, जूस से जरा सॉफ्ट हो जाता है हमारा केक। अब इसके ऊपर भी ये चॉकलेट की एक लेयर। मैंने मक्खन में मिक्स नहीं की चॉकलेट, चाहे तो मिक्स भी कर लें, काम तो एक ही है। जरा ये कलर आएगा, एक चॉकलेट का अलहदा कलर आएगा, फिर बटर क्रीम का अलहदा से व्हाइट कलर आएगा। ये फ्री हैंड मेरी मैं करती हूँ बेकिंग, क्योंकि कोई मैं रूल्स नहीं फॉलो करती। इजी घर में बनने वाली चीज़ है, जैसे आपका दिल चाहे वैसे करें। ना मैंने कहीं से क्लासेस ली हैं, सेल्फ थॉट जो मेरे जहन में आता है वो मैं करती हूँ।
साथ साथ इस पर क्रम कोट भी हो रहा है, फिर इसको ठंडा करके चील करके फिर फाइनल इस पर टॉपिंग करेंगे। अब बाकी केक्स निकाल के उनके पीसेस करके इसके ऊपर सेटल करने हैं। ये देखें ये पैन में से केक कैसा नीट एंड क्लीन निकला नीचे से। ओवन में हमारे केक जल भी जाते हैं टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर में ही होता है, हमें तेजगी में पता चलता है। देखें साफ सुथरा, कोई जला नहीं कुछ नहीं। ये वाला केक वैसे ही पतला था, इसकी लेयर नहीं काटी, इसमें जूस ऐड करना है। अब इसके ऊपर मक्खन लगा रही हूँ, बटर क्रीम। ये देखें इसको भी मैंने निकाल लिया, ये हमारा बड़ा अच्छा बेक हुआ केक। ये हमने इसकी अपसाइड डाउन करनी, इसकी लेयर्स काट के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी लेयर कट रही है, वन लेयर। इसको थोड़ी सी हमें शेप देनी पड़ेगी डॉल की, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है शेप, थोड़ा इसको शेप करना पड़ेगा मेंटेन इसकी। ये सख्त हो गई है हमारी, लग नहीं रही सही तरह, इसमें बटर मिक्स करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ जी इसमें मैंने बटर मिक्स किया तो ये इजीली रनी हो गया। अब ये कोट हो गया, इसमें जूस ऐड करना है। नीचे भी मैंने जूस ऐड किया था, वीडियो में नहीं आया। ना मैंने शेप नहीं सही आ रही थी इसलिए उसको अपसाइड डाउन कर दिया। सारे पीसीज ऊपर रख के इसकी ये शेप आ गई है,
अभी इसको मैं ठंडा करती हूँ ताकि इस पर बटर अच्छी तरह जम जाए, बटर क्रीम अच्छी तरह इस पर जम जाए तो फिर इसके ऊपर फाइनल कोट होएगा। अब हम बटर क्रीम बनाएंगे। बटर क्रीम के लिए हमें बटर चाहिए क्योंकि इसको मैंने पिंक कलर करना है, केक का फाइनल लुक पिंक कलर का करना है, इसलिए बटर। और ये मैंने दूध में चीनी डाल के, कम दूध और डबल चीनी रेशो डाल के कंडेंस मिल्क सा बना लिया, इसको डाल के इसमें एडिट करेंगे। इसमें साथ में फ्यू ड्रॉप्स वनीला के डाल लें। ये गया वनीला। बड़ी अच्छी क्रीम हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए। अब इसमें मैंने पिंक फूड कलर डालना है। ये मैंने विब्योर का पिंक फूड कलर लिया, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। 5 ड्रॉप्स डाले हैं अभी, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। मिक्स करके देखते हैं कैसा कलर आता है। प्रीटी, वेरी नाइस। ये बहुत खूबसूरत पिंक कलर आ गया। ये अब इसके ऊपर कोटिंग करनी है पिंक कलर की। बहुत अच्छा बटर क्रीम, बहुत अच्छी बनी है। जिधर रखे उधर ही स्टिफ हो रही है। कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं इससे, लेकिन मुझे इस पे डिजाइन नहीं बनाना, प्लेन रखना है। बिस्मिल्लाह।